आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कम बजट में, बजट अगर कम हो तो उसके बाद भी एक अच्छा पीसी कैसे असेंबल किया जा सकता है। बढ़िया पीसी से मतलब है कि एक ऐसा पीसी जिसमें आप वीडियो एडिटिंग कर सकें, जिसमें थोड़ा बहुत गेमिंग कर सकें, और एक ऐसा पीसी जिसको आप फ्यूचर में चाहे तो अपग्रेड करके ऐसा बना सके कि आप उसमें मतलब प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग और हेवी गेमिंग भी कर सकते। तो एक सिस्टम बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंप्यूटर का प्रोसेसर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोसेसर इसमें कौन सा लगने वाला है। प्रोसेसर में बहुत सारे प्रोसेसर हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन सब का रेट भी ज़्यादा है। क्योंकि हमारा बजट कम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम बिल्ड हो, जो पीसी बने, वो 15,000 के अंदर में एक कंप्लीट सिस्टम बन करके तैयार हो जाए। तो अगर 15,000 का बजट है और इसमें हम चाहते हैं कि एक बढ़िया वीडियो एडिटिंग और गेमिंग पीसी बन जाए, तो उसके लिए हमें एक ऐसे प्रोसेसर की ज़रूरत है जो कि कम रेट का भी हो और साथ ही साथ पावरफुल भी हो। तो यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं i5 का थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर, i5-3570K। i5-3570K प्रोसेसर जो है i5 थर्ड जनरेशन का एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। इसको आप यूज कर सकते हैं अपने इस पीसी बिल्ड में। i5 थर्ड जनरेशन में i5-3470 भी एक प्रोसेसर है और 3570 भी एक प्रोसेसर है। ये तीनों ही प्रोसेसर 4 कोर 4 थ्रेड्स के साथ में आते हैं। क्योंकि 4 कोर 4 थ्रेड्स है तो इसमें वीडियो एडिटिंग आराम से हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला चीज़ हो गया प्रोसेसर। प्रोसेसर हम लोग कौन सा ले रहे हैं? प्रोसेसर हम लोग ले रहे हैं i5-3570K। ना मदरबोर्ड के बारे में बात करने से पहले आपको ये बता दें कि ये प्रोसेसर कितना पावरफुल है। क्योंकि ये डेस्कटॉप प्रोसेसर है, पीसी का प्रोसेसर है, इसलिए लैपटॉप में जो प्रोसेसर यूज होते हैं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप लेटेस्ट प्रोसेसर का बात करें तो लेटेस्ट में i5 अगर 10th जनरेशन के प्रोसेसर को ले लेते हैं, लैपटॉप वाला जो i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर है वो इस प्रोसेसर से वीक है। आप इसका कंपेरिजन देख लीजिए। ये i5 का थर्ड जनरेशन डेस्कटॉप का प्रोसेसर यानी i5-3570K और i5 का लैपटॉप वाला प्रोसेसर 10th जनरेशन का यानी कि लेटेस्ट, 12th जनरेशन अब आ गया है लेकिन फिर भी 10th जनरेशन को हम लोग बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं कह सकते, लगभग नया ही है। तो i5 का 10th जनरेशन का लैपटॉप का प्रोसेसर इस i5 थर्ड जनरेशन जो कि बहुत पहले का प्रोसेसर है लेकिन डेस्कटॉप का है, पीसी का है, तो ये i5 थर्ड जनरेशन इससे ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर आप बात को समझिए, ऐसा नहीं कि लैपटॉप में अगर i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर है तो डेस्कटॉप के i5 थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर से वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए लैपटॉप से डेस्कटॉप हमेशा ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसलिए इस प्रोसेसर को सेलेक्ट करने के पीछे ये भी एक रीज़न है कि ये प्रोसेसर भले पुराना हो लेकिन पुराना होने के कारण कम रेट में मिल जाता है लेकिन पावरफुल है, साथ ही साथ पावरफुल भी है। आप देख सकते हैं कि नया जो प्रोसेसर है i5 10th जनरेशन का लैपटॉप वाला उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आप एक लैपटॉप लेते हैं i5 10th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में तो कम से कम आपको 45,000 तो कम से कम लगने ही, अगर उसमें ग्राफिक्स नहीं हो तो, जो इंटेल का HD ग्राफिक्स रहता है अगर वो रहे, कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स अगर उसमें नहीं लगा हुआ हो तो 45,000-50,000 के आसपास में मिल जाएगा आपको लैपटॉप। 45,000-50,000 आप दे रहे हैं i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर लैपटॉप वाले प्रोसेसर के लिए, जो कि i5 थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर से भी थोड़ा सा वीक है। और ये i5 का थर्ड जनरेशन का जो प्रोसेसर है ये आपको 3,000-3,500 के बीच में आसानी से मिल जाएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप उस लिंक से जा कर के भी परचेज कर सकते हैं, और आप चाहे तो अपने लोकल मार्केट में भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, हो सकता है लोकल में भी मिल जाए आपको। तो इसीलिए हमने इस प्रोसेसर को चुना है अपने पीसी बिल्ड के लिए। तो हमारा प्रोसेसर हो गया i5-3570K। अब बात करते हैं मदरबोर्ड का, क्योंकि मदरबोर्ड है जो कि प्रोसेसर को होल्ड करेगा और साथ ही साथ जो बाकी के कंपोनेंट है वो भी उसी में लगने वाले।
मदरबोर्ड जो होगा i5 थर्ड जनरेशन के लिए वो है H61 मदरबोर्ड। H61 मदरबोर्ड भी आपको 3000 के आसपास में मिल जाएगा, 3 से 3500, 3000 के अंदर में भी मिल सकता है। आपको लिंक दिया हुआ, आप उस लिंक से जाकर के अगर आप लेते हैं तो 3000 के अंदर में मिल जाएगा। तो हमने जो मदरबोर्ड यूज़ किया वो फ्रंटेक का है। फ्रंटेक का मदरबोर्ड इसलिए यूज़ किया हुआ क्योंकि उसमें NVMe SSD का स्लॉट एक दिया हुआ, यानी कि मदरबोर्ड में आप NVMe SSD लगा सकते हैं। किसी किसी मदरबोर्ड में जो H61 मदरबोर्ड होता है, किसी किसी में NVMe SSD लगाने का ऑप्शन नहीं रहता, तो उसमें आपको साटा SSD लगाना पड़ेगा 2.5 वाला। तो वो भी आप लेकर के यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2.5 वाला SSD भी लगाते हैं साटा, तो उसमें भी स्पीड अच्छा रहता है। वैसे NVMe का स्पीड साटा से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर आपको NVMe वाला मिल जाता तो आप कोशिश करिए कि उसी को लेने का। नहीं मिलता है तो आराम से आप कोई भी मदरबोर्ड ले लीजिए, 2.5 भी अगर आप उसमें लगा देते हैं SSD तो भी सिस्टम आपका बढ़िया चलेगा। तो ये हो गया आपका प्रोसेसर और मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रैम। रैम यहाँ पर जो हम लोग रैम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि i5 थर्ड जनरेशन का जो प्रोसेसर है वो DDR3 तक का रैम को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर हम लोग DDR3 रैम को यूज़ करेंगे। और क्योंकि DDR3 यूज़ कर रहे इसलिए कम में भी मिल जाएगा, रेट भी कम पड़ेगा, हमारा जो बजट है उसके अंदर में आ जाएगा। रैम हम यहाँ पर 4GB का एक लगा लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और आप इसको बाद में चाहे तो एक और 4GB का लगा करके 8GB में अपग्रेड कर सकते हैं, या अगर आपको 16GB तक का अपग्रेड करना है तो पहला जो आप रैम लगाते हैं उसको एक सिंगल स्टिक में 8GB वाला रैम लगाइए। और जब भी रैम लगा रहे तो कोशिश करिए कि 1600 MHz वाला रैम लगाइए। वैसे अगर आपको 1600 MHz नहीं भी मिलता है तो आप 13 या 12 जो भी आपको मिल जाता है उससे कम MHz का भी लगा सकते हो, उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमारा प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया। रैम का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लोकल में अगर आप रैम लेने जाते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ उससे अगर आप ले लेते हैं तो थोड़ा सा कम पड़ेगा, क्योंकि हम एक चीज़ अपने से देखें, ऑनलाइन में रैम थोड़ा सस्ता मिल रहा है, ऑफलाइन में रैम का रेट ज़्यादा है लेकिन ऑनलाइन में कम है। तो रैम आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऐसे ऑफलाइन आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि कम में मिलेगा। तो रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया। उसके बाद आपको चाहिए SSD। SSD होना ज़रूरी इसलिए क्योंकि SSD जब आपके सिस्टम में होता है तो सिस्टम काफ़ी फास्ट रन करता है, बूट टाइम बहुत कम, मतलब बहुत जल्दी बूट हो जाएगा, इसीलिए सिस्टम में SSD होना ज़रूरी है। SSD में आप बहुत ज़्यादा चीज़ मत रखिए, जो आपके ज़रूरी का जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर सब है उसको आप रखिए, और विंडोज़ को SSD में डालिए, यानी कि जो आपका सी ड्राइव होगा वो सी ड्राइव SSD में ही होना चाहिए। SSD में रहेगा तो आपका सिस्टम जो है बहुत ही फास्ट और स्मूथ चलेगा। इसके अलावा फ़िलहाल हम लोग जो है सिर्फ SSD को लेके चलते हैं। SSD जो है आप 128GB का लगा लीजिए अगर कम बजट है, मतलब थोड़ा सा बजट को अगर आप कम लेकर के चलना चाह रहे तो, या फिर कोशिश करिए कि 256GB, 256GB या फिर 240GB का SSD लगा लीजिए। अगर आप हार्ड ड्राइव नहीं भी लगाते हैं तो अभी के लिए SSD लगा लीजिए, SSD लगा करके सिस्टम को चलाइए। 256GB SSD भी कम नहीं होता है, बाद में फिर एक महीने या दो महीने के बाद आप एक हार्ड ड्राइव भी लगा लीजिए, 1TB का इंटरनल हार्ड ड्राइव 1TB का भी काफ़ी कम में मिल जाता है। SSD जो आप लेने जाएंगे तो SSD का भी रेट आप देख लीजिए, SSD का भी रेट और प्रोडक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी हम लोग सिर्फ कंपोनेंट का बात कर लेते हैं, लास्ट में जो है उसका पूरा सभी कंपोनेंट का रेट को समअप करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ करके फिर हम लोग देखेंगे कि बजट हमारा कहाँ जा रहा है। तो मेन चीज़ तो हमारा लगभग हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, SSD हो गया, प्रोसेसर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक कैबिनेट चाहिए, कैबिनेट चाहिए, कैबिनेट विथ SMPS, अगर कैबिनेट विथ SMPS मिल जाता तो अच्छा है, और नहीं तो SMPS फिर आप अलग से भी ले सकते हैं। कैबिनेट में
आरजीबी वाला कैबिनेट फ़िलहाल के लिए आप उसको अवॉइड ही करिए, क्योंकि आरजीबी कैबिनेट लेने जाइएगा तो आपका बजट अचानक से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आरजीबी कैबिनेट क्योंकि कम से कम आपको एसएमपीएस वगैरह पावर सप्लाई यूनिट जो पीएसयू बोलते हैं उसको, या एसएमपीएस भी बोल सकते हैं, इसको लेकर के 3,000 से 4,000 के बीच में पड़ जाएगा। अगर आप एक ठीक ठाक एएनटी का या फिर कोई अच्छा एक ब्रांड का कैबिनेट ले रहे हैं तो इतना तो पड़ ही जाएगा, 3,000 तो कम से कम ले करके चलिए। इसीलिए मेरा मानना है कि अभी आप एक आरजीबी कैबिनेट को अवॉइड करिए, उसको फ़िलहाल के लिए रहने दीजिए, बाद में भले आप उसको अपग्रेड कर लीजिए। एक नॉर्मल सा कैबिनेट लीजिए विथ एसएमपीएस, 450 वाट का कम से कम होना चाहिए, 450 वाट वाला ही लीजिएगा, उससे कम का मत लीजिए। जो एसएमपीएस होगा आपका वो 450 वाट का कम से कम होना चाहिए। अब जब आपके पास कैबिनेट हो गया, कैबिनेट विथ एसएमपीएस, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, एसएसडी हो गया, ठीक है, सारा चीज़ हो गया हमारे पास, अब आप इसको असेंबल कर सकते हैं। आपका जो सिस्टम है अब वो असेंबल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पीसी का, लेकिन सिर्फ सीपीयू से तो काम नहीं चलेगा, हमें एक मॉनिटर भी चाहिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ चाहिए, तभी तो हम एक सिस्टम का फुल्ली फंक्शनल एक सिस्टम को ऑपरेट कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जब वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ़ वो पीसी के बारे में बताते हैं, यानी कि सिर्फ सीपीयू के बारे में बताते हैं, मॉनिटर, खैर मॉनिटर के बारे में तो बताना चाहिए क्योंकि वो भी एक आपका जो बजट है उसमें एक बड़ा पार्ट उसका भी होता है मॉनिटर का, क्योंकि मॉनिटर सस्ता तो मिलता नहीं, उसका भी रेट ठीक ठाक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बजट सीपीयू के लिए मॉनिटर जो है उसको सेकेंड हैंड ले रहे हैं। सेकेंड हैंड आप लोकल जो भी कोई किसी भी दुकान में चल जाइए जो सिस्टम वगैरह असेंबल करके देते हैं, उनसे आप सेकेंड हैंड मॉनिटर ख़रीद सकते हैं। सेकेंड हैंड मॉनिटर आपको 2 से 3 हज़ार में ठीक ठाक मॉनिटर मिल जाएगा। हम जो मॉनिटर लिए वो हमको 1700 में मिल गया, एलजी का मॉनिटर है, 15.6 इंच का। तो इसमें मेरा काम तो आसानी से चल रहा है, वीडियो वगैरह एडिटिंग कर पा रहे हो उसमें बढ़िया से, कलर भी ठीक ठाक है। इसी तरह आप भी अपने लोकल मार्केट में एक बार देखिए, आपको सेकेंड हैंड मॉनिटर मिल जाएगा। कैबिनेट के लिए भी हम कहेंगे कि एक कैबिनेट सेकेंड हैंड ले लीजिए। सेकेंड हैंड अगर आप कैबिनेट लेते हैं तो 1,000 में कैबिनेट विथ एसएमपीएस आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा। बजट कम है तो मेहनत तो थोड़ा सा करनी पड़ेगा, तो थोड़ा सा मेहनत करिए और एक बढ़िया सिस्टम बनाइए। मेन मेन चीज़ें फोकस करिए, प्रोसेसर अच्छा ले लीजिए, मदरबोर्ड अच्छा ले लीजिए, रैम लगा लीजिए, एसएसडी लगा लीजिए, ये सब चीज़ जो है मेन है। बाकी कैबिनेट का बात हो गया, मॉनिटर हो गया, तो ये सब चीज़ में आप थोड़ा सा अपने बजट को कम कर सकते हैं। मॉनिटर सेकेंड हैंड ले लीजिए, कैबिनेट सेकेंड हैंड ले लीजिए, और कीबोर्ड जो माउस है वो तो 500 रुपीज़ में दोनों आपको मिल जाएंगे। वायरलेस मत लीजिए, वायर्ड ले सकते हैं, वायरलेस भी अगर आपको लेना है तो 1,000 में मिल जाएगा। तो ये सारे कंपोनेंट को मिला करके आपका जो पीसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब रहा बात असेंबल करने का, तो असेंबल करना बहुत ही इजी है। आप बहुत सारा ट्यूटोरियल है यूट्यूब में ऑलरेडी, आप उसको देख करके भी असेंबल कर सकते हैं, या फिर किसी भी दुकान में चल जाइए जो कि सिस्टम असेंबल करता है, आप उनको पार्ट्स दे दीजिए, कुछ पार्ट्स उनसे भी ले लीजिए, कुछ पार्ट्स आपको जहाँ से सस्ता मिलता है, ऑनलाइन सस्ता मिलता है तो ऑनलाइन से ले लीजिए, लेकर के उनको आप दे दीजिए, वो आपको असेंबल करके दे देंगे। बदले में कुछ चार्ज लेते हैं जो कि बहुत ही कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो ये सब ले दे करके जब हम लोग एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं तो हमारा जो सिस्टम है, अगर आप एक रफ़ एस्टीमेट लगाते हैं तो 3,000 का मदरबोर्ड, 3,000 का प्रोसेसर, 6,000 रुपये रैम जो है, 1,000 में आपको मिल जाएगा, 1,000 से 1,100 में। और अगर आप 8 GB वाला डायरेक्ट लगाते हैं तो 1,500 1,600 में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन आप ले लीजिए। तो 6,000 हो गया, इधर 8 GB वाला रैम हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 1,500 रुपया उसका ले करके चलते हैं, तो 7,500, ठीक है, 7,500। उसके बाद एक SSD आपको लेना है, SSD 2,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन अगर आप लेते हैं तो 2,000 में आपको 256 GB का SSD मिल जाएगा। 7,500 और 2,000, 9,500।
कैबिनेट जो है आपको लोकल मार्केट में सेकंड हैंड ले लेना है तो 1,000 का, तो 10,500। मॉनिटर भी अगर आप लेने जाते हैं तो 2,500 रुपया मॉनिटर का लेकर के चलिए, तो 11,000, 12,000, 13,000 में। और कीबोर्ड माउस का 500 रुपया, 13,500। थोड़ा बहुत अगर आप बजट बढ़ा करके, मान लीजिए हो सकता आपको कैबिनेट थोड़ा सा महंगा पड़ जाए, हो सकता मॉनिटर में थोड़ा 2,500 का नहीं मिले, 3,000 का मिले, 3,500 का मिले, तो ले दे करके जो हमारा बजट जो जा रहा है वो 15,000 के आसपास ही जाएगा, 15,000 से ऊपर नहीं जाएगा। 15,000 के अंदर में आपका ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है वो रेडी हो जाएगा। और इस पीसी में आप आसानी से गेमिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो काफ़ी आसानी से चला सकते हैं। इवन हम यूज कर रहे हैं, मेरा जो पीसी है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, साथ ही जितना कंपोनेंट हम यूज किए हैं उन सभी कंपोनेंट का भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, आप सब जा कर के आप चेक कर लीजिए। रेट बहुत ही कम है और कम रेट में एक बहुत बढ़िया सिस्टम आपके पास रेडी हो जा रहा है। साथ ही साथ आप चाहे तो एक सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड लगा लीजिएगा तो आप गेमिंग भी ठीक ठाक कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड भी अगर GT 730 वाला लेते हैं तो ऑनलाइन में OLX वगैरह में आपको सस्ते में मिल जाएगा, 2,000 के आसपास में मिल जाएगा। लोग ऐसे 3,000, 3,500 मांगते हैं, लेकिन आप अगर बारगेनिंग करते हैं तो 2,000 में मिल जाएगा। GT 730 2GB वाला DDR3 वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है वो हमको OLX से मिला 2,000 में। वैसे रेट तो सामने वाले ने 3,000 रखा था, लेकिन बारगेनिंग थोड़ा सा करने पर 2,000 में मिल गया। नया भी अगर आप लेने जाते तो 4,500 रुपया रेट है, तो अगर आप सेकंड हैंड ले रहे तो 2,000 से ज़्यादा आपको देना भी नहीं चाहिए। तो 2,000 अगर और आप इसमें लगाते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो गेमिंग के लिए भी तैयार हो जाएगा। वैसे ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम आपको बताए हैं सिस्टम का, इसमें अगर आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं भी लगाते हैं तो वीडियो एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, वीडियो एडिटिंग आप बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। ये पीसी बिल्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सोचते हैं कि वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग करने के लिए बहुत पैसे लगने वाले, बहुत मतलब महंगा सिस्टम एक लेना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लैपटॉप लेना ज़रूरी नहीं है तो एक सिस्टम असेंबल करवा लीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कम रेट में आपको एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम मिल जाएगा। सेम पावर के अगर आप लैपटॉप लेने जाएंगे तो कम से कम 50,000 से 60,000 रुपये आपके लग जाएंगे, 50 से 60,000 रुपये आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके सेम पावरफुल आपको एक सिस्टम मिलेगा लैपटॉप के रूप में। तो अगर आप डेस्कटॉप एक लगा रहे हैं घर में, डेस्कटॉप एक असेंबल कर रहे हैं, तो कम रेट में हो जाएगा। और इसको आप यूज करिए, इससे आप वीडियो एडिटिंग करिए या फिर गेमिंग करिए, जो भी आप करना चाहें। कोडिंग तो इसमें एकदम आँख बंद करके कर सकते हैं, कोडिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो चलाना हो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड चलाना हो, ये सब तो बहुत ही आसानी से चलेंगे इसमें, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ग्राफिक्स वगैरह का काम आप फोटोशॉप बहुत बढ़िया चलेगा, प्रीमियर प्रो आराम से चलेगा, आफ्टर इफेक्ट्स में भी बहुत बढ़िया से काम कर सकते हैं, कोई इसमें लैग नहीं आएगा। और अगर आप ग्राफिक्स लगा देते तो गेमिंग भी थोड़ा ठीक ठाक कर लीजिएगा, ग्राफिक्स नहीं भी लगाते हैं तो भी आप गेमिंग कर लीजिएगा, जो नॉर्मल गेम सब है वो सब आसानी से चल जाएगा। मान लीजिए आप अपना एक यूट्यूब का करियर भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एक वीडियो एडिटिंग के लिए एक सिस्टम चाहिए, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी सही नहीं रहता है, तो उसके लिए आपको एक अगर कम रेट में आपका एक बढ़िया सिस्टम रेडी हो जाता तो इससे अच्छा क्या होगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पता चले कि कम रेट में भी आप एक बढ़िया सिस्टम असेंबल करके आपका जो काम है सिस्टम का, पीसी का जो आपका वर्क है वो आप कर सकते हैं, आपको बहुत महंगा लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो देख करके पता कर सकते हैं, कुछ जो गेम है उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम वीडियो में डाल दे रहे हैं, आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि ये पीसी कितना पावरफुल है। तो गेम प्ले देख करके आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम पावरफुल है, ठीक ठाक गेम प्ले कर सकता है
और वीडियो एडिटिंग बहुत ही बढ़िया कर सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोडिंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, या आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब में, उसके लिए अगर आपको एक सिस्टम चाहिए तो इस कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सिस्टम जो है, क्योंकि आप पीसी बना रहे हैं, लैपटॉप नहीं ले रहे हैं, तो लैपटॉप में एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, अपग्रेड होता नहीं है, अपग्रेड का उसमें ऑप्शन ही नहीं रहता ज़्यादा। थोड़ा बहुत अपग्रेड आप ये कर सकते हैं कि उसमें हार्ड ड्राइव हटा करके SSD लगा दीजिए, और रैम का अगर 2 स्लॉट है तो रैम को थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास पीसी है, सिस्टम है, तो उसमें आप कुछ भी अपग्रेड कर सकते हैं। आप चाहे तो आगे चल करके मदरबोर्ड ही चेंज कर लीजिए, उसके बाद प्रोसेसर चेंज कर लीजिए, रैम को चेंज कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए। तो इस तरह अपग्रेडेशन का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है पीसी में। इसीलिए पीसी जो है हमेशा बेस्ट रहता है, लैपटॉप से हमेशा अच्छा रहता है पीसी। अगर आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको सिस्टम को लेकर के ट्रैवल नहीं करना है, मूव नहीं करना है, यहाँ से वहाँ लेकर के नहीं जाना है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप पीसी ही असेंबल करिए, आप पीसी ही बनाइए, पीसी को ही लेकर के चलिए। इसमें पावर आपको ज़्यादा मिल जाएगा, हीटिंग का कोई ख़ास इशू नहीं रहता, बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है हीटिंग का। एडिटिंग वगैरह के लिए तो खैर बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके दोस्त भी देखें तो इसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।